तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इंडिया के टॉप 10 डेवलपिंग सिटीज़ देखने वाले हैं। दोस्तों वर्ल्ड के टॉप 20 डेवलपिंग सिटीज़ में से 17 सिटीज़ ये इंडिया में से है। 2021 ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक ये सिटीज़ की रैंकिंग बताई गई है। ये इसके राइजिंग परसेंटेज के आधार पर बोला जा रहा है। तो दोस्तों आप ये वीडियो अंत तक देखिए, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों ऑक्सफर्ड इकोनॉमिक रिसर्च के मुताबिक 10th पोजीशन पे विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है। दोस्तों विजयवाड़ा की 2018 की जीडीपी 5.6 बिलियन थी, वही विजयवाड़ा की जीडीपी ये 8.16% पर ईयर से ग्रो कर रही है। दोस्तों अभी 9th पोजीशन पे है चेन्नई, ये तमिलनाडु में स्थित है, वही ये तमिलनाडु का कैपिटल भी है। दोस्तों चेन्नई ये इंडिया की टॉप सिटीज़ में से भी एक है, वही ऑटोमोबाइल और आईटी हब भी है। 2018 में चेन्नई की जीडीपी ये 36 बिलियन यूएस डॉलर थी और वही चेन्नई की जीडीपी ये 8.17% से ग्रो कर रही है। 8th पोजीशन पे है तिरुचिरापल्ली, ये तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। दोस्तों ये ग्रोइंग एजुकेशन हब भी है, यहाँ कई पॉपुलर और रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट मौजूद है जैसे कि IIM, NIT या फैब्रिकेशन और मैकेनिकल इंडस्ट्री बड़े पैमानों पर मौजूद है। तिरुचिरापल्ली की 2018 में जीडीपी ये 4.9 बिलियन यूएस डॉलर थी, वही ये तिरुचिरापल्ली की जीडीपी ये पर ईयर 8.29% से ग्रो कर रही है। दोस्तों 7th पोजीशन पे चलते हैं जो है राजकोट, ये गुजरात स्टेट की 4th लार्जेस्ट सिटी भी है। यहाँ पर रबर, सिल्क, फूड, केमिकल ये सारी इंडस्ट्री मौजूद है। दोस्तों राजकोट की 2018 की जीडीपी ये 6.8 बिलियन यूएस डॉलर थी, वही अब ये 8.33% से ग्रो कर रही है। दोस्तों 6th पोजीशन पे है त्रिपुरा, ये तमिलनाडु स्टेट में स्थित है, ये फ्यूचर में गारमेंट्स हब भी जाना जाएगा। दोस्तों त्रिपुरा की जीडीपी ये 2018 में 4.3 बिलियन यूएस डॉलर थी, वही ये 8.36% पर ईयर से ग्रो कर रही है। दोस्तों 5th पोजीशन पे है नागपुर। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में स्थित नागपुर ये भारत की ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है। दोस्तों नागपुर ये बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, वही यहाँ बड़े पैमानों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी जारी है। 2018 में नागपुर की जीडीपी ये 12.3 बिलियन यूएस डॉलर थी, वही ये सालाना 8.41% से ग्रो कर रही है। नंबर 4th पे है हैदराबाद, ये तेलंगाना का सबसे बड़ा शहर है, वही ये भारत का एक प्रमुख शहर भी है। हैदराबाद ये एक आईटी हब और ऑटोमोबाइल्स हब भी पहचाना जाता है। 2018 में हैदराबाद की जीडीपी 50.6 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो कि अभी पर ईयर 8.47% से ग्रो कर रही है। 3rd पोजीशन पे है बेंगलुरु, ये कर्नाटका का सबसे बड़ा शहर होकर यहाँ की राजधानी भी है और भारत का एक प्रमुख शहर भी है, वही एक आईटी हब भी माना जाता है। ये दुनिया का तीसरा ग्रोइंग सिटी और भारत का 5वां सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन रीजन है। बेंगलुरु की जीडीपी 2018 में 70.8 बिलियन यूएस डॉलर थी और ये 8.50% से ग्रो कर रही है। दोस्तों 2nd पोजीशन पे आगरा उत्तर प्रदेश। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म स्पॉट ये आगरा है, वही ये अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी बढ़ रहा है। यहाँ सीमेंट कंपनीज, एग्री कंपनीज ये बड़े पैमानों पर ग्रो कर रही है, वही 2018 में इसकी जीडीपी 3.9 बिलियन यूएस डॉलर थी और वही ये सालाना 8.58% से ग्रो कर रही है। दोस्तों 1st पोजीशन पे है सूरत, जो कि गुजरात का 2nd सबसे बड़ा शहर और दुनिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग शहर भी है। दोस्तों यहाँ डायमंड, ग्लास, गारमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, वही यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत बड़े पैमानों पर चल रहा है। सूरत की 2018 में जीडीपी ये 28.5 बिलियन यूएस डॉलर थी, वही ये पर ईयर 9.17% से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों सूरत जो कि वर्ल्ड का और भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। दोस्तों तो ये थे इंडिया के और वर्ल्ड के टॉप 10 डेवलपिंग सिटीज़। तो दोस्तों आपका कौन सा पसंदीदा शहर है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए।